इतनी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं, कैसे करती मैंने इतनी बड़ी गलती। मिलिंद कहाँ जा रहे हो बताओ कि नहीं क्या? क्या बोलूं ऊपर मैं? किसक से पूछ रही हो सारे सवाल मुझसे? तुमने मुझे बताया था कि तुम हीरा अम्मा से मिलने के लिए जा रही हो, ये उसे लॉकअप से भगाया तुमने। जो मुझे सब नहीं बताया तुम मुझसे किस हक से सवाल पूछ रहे हो? I'm so so sorry, मिले। मैं जानती हूँ उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं कैसे मैंने उस झूठी मक्कार हीरा अम्मा पर विश्वास कर लिया। मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हर बात तुमसे पूछ के करूँगी। प्लीज नाराज मत हो, प्लीज आई एम सॉरी। इट्स ओके नूपुर, मैं जानता हूँ कि तुम दिल से चाहते हो कि चीकू के पेरेंट्स मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता है? मैं तो यही चाहता हूँ नूपुर, लेकिन उसके लिए इस तरह की डेस्परेशन वाली हरकत करने की क्या जरूरत है? कितना बुरा अंजाम हो सकता है इसका। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम नहीं माने मेरी बात। मैंने कहा था चीकू से पूछ लो, उसे बता दो कि वो पेरेंट्स से मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती। कहीं ऐसा ना हो पर उसे ऐसा लगे कि वो हम पर बोझ बन रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मजबूरी नहीं है, हम उसे प्यार करते हैं उतना ही प्यार जितना हम पायल से करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते ना दोनों बच्चों में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो उसको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। जरूरत है मिलिंद, जरूरत है। हम दोनों चीकू से बहुत प्यार करते हैं। फैक्ट है, आई भी थोड़ा सा प्यार करती है। पर इस घर के बाकी मेंबर्स, क्या वो चीकू से प्यार करते हैं? क्या वो चीकू को अपना समझते हैं या कभी समझेंगे? चीकू के लिए हम बहुत खुश हैं, उसके साथ हम खुश हैं, पर क्या चीकू खुश है? या उसे वही खुशी मिल रही है जो वो डिजर्व करती है? जो खुशी, जो प्यार, जो अपनापन, जो हक चीकू को मिलना चाहिए, वो कभी ये फैमिली उसे नहीं दे पाएगी जो इस फैमिली के दूसरे बच्चों को मिलता है। तुम इस बात को सोचो ना, प्यार तो दूर की बात है, बल्कि उसे हर दिन यहाँ पे एहसास कराया जाता है कि वो हमारी अपनी है ही नहीं। इनफैक्ट अपनेपन के लायक ही नहीं है वो। अभी चीकू छोटी है, इन सब बातों को समझती नहीं है, पर धीरे धीरे वो बड़ी होगी ना, फिर उसे ये सब बातें बहुत तकलीफ पहुंचाएंगी, बहुत परेशान करेगी उसे ये बातें। फिर हम क्या करेंगे बताओ? हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेती हो तुम? समय के साथ साथ चीजें ठीक भी तो होती हैं। चीकू ने आय का दिल जीत लिया था ना, तो समय के साथ हो सकता है जब चीजें बदलेंगी वो आत्या का दिल भी जीत लेगी, अपनी सच्चाई से, अपनी अच्छाई से, वो भी इसको स्वीकार करने लग जाए। थोड़ा समय तो दो कम से कम। काश ऐसा हो पाता मिले, पर मुझे नहीं लगता कि आत्या कभी भी चीकू को स्वीकार करेंगी। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता, मेरी समझ से तो बाहर। तुम्हें तो लगता था ना हीरा मां तुमसे झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही है एकदम। चीकू के पेरेंट्स का पता दे देगी, क्या हुआ खुद लॉकअप से फरार हो गई और तुम्हारे विश्वास का विश्वासघात किया, यही किया ना उसने? मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि तुम्हारे जिस निश्चय, तुम्हारे जिस विश्वास पर मुझे नाज था, जिस पर यकीन था, तुमने उसे तोड़ दिया। एक बात बताओ तुम्हें जरा सबील में एक्चुअली हुआ क्या है? हीरा अम्मा लॉकअप से फरार है, इसका मतलब कोई भी बच्चा सेफ नहीं है, हमारी अपनी बच्चियां भी सेफ नहीं है अनुपम। सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरे, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर प्लीज हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में तुमने मेरा साथ दिया है, मेरा साथ मत छोड़ना, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। इस अकेलेपन के जिम्मेदार तुम हो, तुमने चुना, मैंने नहीं चुना। मैंने हर लम्हे हर मोमेंट पर तुम्हारा साथ दिया अनुपम, तुमने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया, अपना अलग रास्ता बना लिया तो चलो उस पर जाओ, मेरे साथ की क्या जरूरत है? लेकिन एक बात कहते, तुम जिस रास्ते पे तुम हो ना, उस पर बहुत खतरा है, उस पर बहुत डर भी है। पुलिस का डर, हीरा अम्मा का डर, हमारे परिवार को खोने का डर, और यहाँ तक कि हमारी बच्चियों को खोने का डर भी है। तुमने चुन लिया तो तुम चलो उस रास्ते पे, तुम्हारा रास्ता तुमको मुबारक हो। ऐसा मत कहो मिले, प्लीज ऐसे मुझे मत डराओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ मिले, प्लीज मैं क्या करूंगी।
इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्या करूं मैं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए, ऐसा क्या करूं? चीकू ये लो, काढ़ा है। मौसम इतना खराब था और अब जास्ते टाइम तक बाहर ही खड़ी रही थी, है ना? ठंडी भी बहुत थी ना, बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन आप नहीं आई, ठंडी में ही खड़ी थी। जल्दी से पी लो, विनोद काका से बनवाया है, तबीयत खराब नहीं होगी इससे। सब मुझसे नाराज है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, आप नहीं हो क्या? बहुत नाराज हूँ, पर प्यार भी करती हूँ ना आपसे, आपकी तबीयत खराब थोड़ी ना होने दे सकती हूँ, इसके वास्ते ये लाई। भी रो काहे को रही हो, जल्दी से ये पी लो। सॉरी चीकू, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे वास्ते ही गए थे ना आप वो डेंजर अम्मा के पास, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती ना मेरी है, सजा ना मेरे को ही मिलनी चाहिए। नहीं चीकू, आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपको कोई सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट हमेशा ऐसे ही होता है, आपकी गलती हो ना हो, सजा आप ही को मिल जाती है। इस बार भी जो कुछ भी हो ना, अगर आते आपको कुछ बोले तो प्लीज बुरा मत मानना चीकू। पर आंटी, आते दादी मेरे को जो कुछ भी बोलती है ना, जास्ती बुरा नहीं लगता है मेरे को। आप इन्हें सिखाया है ना, बड़ों की डांट कभी कभी सुन लेनी चाहिए। इसी टेंशन का बस इस बात का है कि वो अभी अम्मा ना जेल से छूट गई है, अब बस वो किसी और नुपुर आंटी से उनकी पहल को दूर ना कर दे, उसको चुरा ना ले। नहीं भगवान, प्लीज नहीं। पापा जी प्लीज, कुछ ना कुछ तो अगले के लिए अब्बा छू करके ना वो हीरा अम्मा को जल्दी जल्दी से पकड़वा दो। और हाँ, कुछ ऐसा भी जादू करो जिससे जो मेरी नुपुर आंटी है ना रोना बंद करे और ये काढ़ा गपा गप से गटक जाए। अरे पियो, मेरे को सच मालूम है पर मैं बता नहीं सकती, हीरा माँ बताएगी नहीं और मम्मी बिना पूछे रहेगी नहीं। कहे को इतना जल्दी भी बना रहे हो सबको पप्पा जी, सीधा सीधा कुछ करो ना जिससे उनको उनको सच क्या है वो खुद ही मालूम पड़ जाए। ऐसा हवन करूंगी सावित्री कि जोशी परिवार पे पड़ने वाली हर समस्या एकदम से सर्वनाश हो जाएगी। मुझे आते दादी, मेरी नुपुर आंटी को जो भी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी नुपुर आंटी की प्रॉब्लम क्या है पता है ना तुम्हें? नुपुर की प्रॉब्लम खत्म मतलब तुम खत्म। अरे एनीवे, आप सबको तो पता ही नहीं होगा ना, एक मिनट। हाँ, हीरा अम्मा के नाम से मशहूर बच्चे चुराने वाली वो कुख्यात अपराधी जो बरसों बाद पुलिस की पकड़ में आई थी, आज दोपहर जेल से फरार हो गई है। पुलिस उसके चारों तरफ तलाश कर रही है, आसपास के थानों में भी इत्तला कर दी गई है और पुलिस की जनता से यही दरख्वास्त है जहां कहीं भी इस खतरनाक महिला को देखे पुलिस सहायता केंद्र में फोन करके इसकी सूचना दे। देख रही हो ना, पुलिस कितने जोरों शोरों से ढूंढ रही है तुम्हारी हीरा अम्मा को। सब वो पल दूर नहीं है जब पुलिस हमारे दरवाजे पे होगी तुम्हारी नुपुर आंटी को अरेस्ट करने के लिए। बस अब इस प्रॉब्लम से हमें बस भगवान ही बचा सकते हैं। या फिर तुम। ये क्यों हमें बचाएगी? इसी ने तो फंसाया मेरी मम्मी को, इसी की वजह से मेरी मम्मी गई थी उसी रम्मा के पास। खुद क्यों मम्मी होती तो थोड़ी ना भेजती ही रम्मा के पास, मेरी मम्मी है इसीलिए भेज दिया इसने। मैंने ना उन्हें नहीं भेजा था और मैं पहले भी भूल चुकी हूँ। तुम नहीं भेजा, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब, तुमने तो बोला था
लाके दो मुझे अपना परिवार, चाहिए मुझे अपना परिवार, नहीं रहना मुझे इस घर, तुम्हारी वजह से गई मेरी मम्मी उसी अम्मा के पास, तुम्हारी वजह से। हाँ हाँ, ये तो चाहती ही नहीं है ना कि तुम अपनी मम्मी के पास रहो, ये तो चाहती है कि जैसे ये अपनी मम्मी से दूर हुई वैसे तुम भी अपनी मम्मी से दूर हो जाओ। भगवान करे आपका हवन सफल हो अत्या, मेरे परिवार पे बड़ा बुरा साया सच में हट जाए आज। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, अपनी गलती मान के पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करके हीरा माँ को पकड़वाने में मैं उनकी मदद करूंगी। यजमान अच्छत पुष्प लेकर के भगवान गणेश का ध्यान करिए आप लोग। गणेशाय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत पिताय। यहाँ पर चढ़ा मिलिन, नूपुर का है उसे बुला ले। अरे कोई जरूरत नहीं है, जो खुद नहीं आई तो हमें क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की। हाँ पापा, मम्मी होती ना तो यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम नहीं होती, वो नहीं आए तो ही ठीक है। लो देख लो सावित्री, इतनी सी बच्ची को भी ये समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है। उसे भी मालूम है कि अगर उसकी माँ यहाँ पूजा में बैठेगी तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। ये मैंने कितना गंदू गंदू सोचती है मेरी मम्मी के बारे में, वो तो इसको कितना प्यार करती है। फिर भी आप टेंशन नहीं लेना मम्मी, आपकी चीकू है ना इधर, आपकी जगह पे मैं बोलेगी पप्पा जी को आपके मन की बात, और उनका आशीर्वाद भी लाके देगी आपको। छोड़ो, किसे बात है मुझे यहाँ पे, कहाँ हूँ मैं, खोलो मुझे। क्या सोची तू, हीरा अम्मा तेरे को गच्छा देके भाग गई? अरे मेरा भी तो ईमान हो ना, तूने मेरे को जेल से बाहर निकाला तो मैं भी तो अपना प्रॉमिस निभाएगी ना। बोल क्या पूछने का है तेरे को। एक ही बात तो कब से पूछ रही हो, चीकू के मम्मी पापा कौन है बता दो मुझे। ये वो चीकू तेरी जिसके वास्ते तू इतना कुछ कर गई। कोई बाधा डालने वाला नहीं है तो इतनी शांति से पूजा हो रही है, यही अभी नूपुर होती ना तो मालूम पड़ता। हाँ अभी भी चीकू के लिए पूजा कर रही होती। अरे मम्मी तो जैसे मुझसे प्यार ही नहीं करती, अभी भी देखो मैं उनको कितना मिस कर रही हूँ और वो पता नहीं किधर चली गई है। अच्छा बता क्या करेगी उसके अम्मा बाबा के बारे में जान के, तुम्हें उससे क्या लेना देना। देखो हमारे बीच में एक डील हुई थी, ठीक है, कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगी और तुम उसके बदले में मुझे चीकू के मम्मी पापा के बारे में बताओगी। मैंने अपना काम कर दिया पर तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया है। कैसे करती रे, मौका इच नहीं मिला ना मेरे को, ऐसे ऐसे करके जेल से तो भागी मैं। अगर मैं पकड़ी जाती तो तेरी मेहनत खुटी जाती ना, और तुझे भी पकड़ के अंदर कर सकते थे। बोल तुम्हें इतना एहसान करी तेरे ऊपर और ऊपर से तू बोल। अच्छा ठीक है प्लीज एक एहसान और कर दो, प्लीज मुझे बता दो चीकू के मम्मी पापा कौन है। बता देगी, इतनी बेसब्र काहे को होती तू। अच्छा चल उसके माँ बाबा के बारे में मैं तेरे को बता दी, पर उसके माँ बाबा अगर उसको भूल गए रहे होंगे या उसके माँ बाबा किसी और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रहे होंगे फिर। देखो वो सब सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम बस सीधे सीधे मुझे बता दो कि चीकू के मम्मी पापा कौन है।
वरना मैं है ना, वरना मैं, अरे बाबा डर गई मैं। कैसी औरत है तू? चीकू के बारे में इतनी पड़ी है तेरे को और अपने बेटे पायल के बारे में सोचती ही नहीं है तू। मेरी बेटी कहां से आ गई इसके बीच में? मुझे पायल के बारे में कुछ नहीं जानना, चीकू के बारे में जानना है बस। अभी सब लोग एक साथ मिल करके हवन करेंगे। बताने देना पुट्टी, जो तेरे को मालूम ही नहीं है। कुछ भी नहीं जानना है मुझे, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम कितनी चालाक औरत हो, और ये भी तुम्हारी चाल है, सब जानती हूँ मैं। अपनी बातों में घुमा के तो मेरा ध्यान भटकाना चाहती हो, ताकि मैं चीकू के बारे में तुमसे कुछ ना पूछूं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे सीधे सीधे बता दो चीकू के बारे में, और कुछ नहीं जाना है मुझे, समझी तुम? बताएगी ना, मेरे को काहे को छुपाने का है? तो बताओ ना जल्दी। तेरी बेटी मिनी, अरे मिनी तेरी बेटी नको, समझी क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी बोलोगे तुम, वो भी मेरी बेटी के बारे में। बकवास मत करना मेरी बेटी के बारे में, एक शब्द मत बोलना। पायल मेरी बच्ची है, मेरी जान है वो। देखो सीधे सीधे मेरी चीकू के बारे में बता दो, उसकी मम्मी पापा कौन है मुझे, और कुछ नहीं सुना है तुमने, समझी तुम? उसके बारे में बता के क्या फायदा होना? फायदा नुकसान सोचे की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम सीधे सीधे मुझे बात बताओ बस। पर उससे ज्यादा जरूरी जो जानना है वो तो जान ले, कि तू जिसके साथ रह रही है ना, वो तेरी बेटी है हीच नहीं, तेरा खून है हीच नहीं वो। अब मानना है तो मान, और नहीं मानना है तो मत मान, मेरा क्या? नहीं मानती हूँ मैं नहीं मानूंगी। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, जानबूझ के मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो अपनी बातों में, पर मैं नहीं फंसने वाली, समझी? काहे को फंसाएगी मैं? क्या जरूरत है मुझे अब तेरी? जेल से तो भाग गई मैं, तेरे को फंसा के क्या करेगी बोल? मैं ना अपना प्रॉमिस निभाने आई है इधर, चल चलती है मैं। ऐसे कैसे जाने दूंगी? जब तक मुझे पूरी बात नहीं बता देती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे सवालों का जवाब दो, कौन है चीकू के मम्मी पापा? और जो भी तुमने मनगढ़ंत कहानी सुनाई है पायल के लिए बता दो, वो सब झूठ है, बोलो वो झूठ है। झूठ नको रे पट्टी, 100% सच बोल रही मैं। वो जो मिनी है ना, वो तेरी बेटी है हीच नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।